क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। छोटी फोन दे, मेरा मेरा फोन वापस कर, फोन दे, मेरा फोन दे, मेरा माँ इसको बोलो फोन दे, मेरा दे दे। ये खून कैसे लगा है मैडम? जाओ सर को बुला के ला। ये खून कैसे लगा? क्या किया आपने? मैडम चाकू लो इनसे। मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैंने अपने बेटे को खून किया, मुझे माजी में चला दो। भाई साहब, जब चौधरी जी माया का रिश्ता लेकर हमारे घर आए, माया तभी हमारे मन को भा गई थी। और वैसे भी ये है ही इतनी प्यारी। गगन प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं 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 बहन जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार आप गगन से पूछ लीजिए क्या इन्हें माया पसंद है। गगन बेटा, माया पसंद है? माँ वो रिश्ता पक्का कर दे। बहन जी, रिश्ता पक्का हो से पहले कुछ लेन देन की बातें। मेरा मतलब है कि आप लोगों की अगर कोई डिमांड हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, हमारी कोई डिमांड नहीं है, और वैसे भी हम दहेज वहेज में विश्वास नहीं करते। वैसे भी हमने अपनी बेटी निशा के लिए जो लड़का देखा है ना, धीरज, उनकी भी कोई डिमांड नहीं है, और वो भी दहेज वहेज में विश्वास नहीं करते। फिर भाई साहब, हम कैसे दहेज की डिमांड कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है बहन जी। भाई साहब, माया चली गई। दो मिनट बहन जी, दो मिनट, आप कुछ लीजिए, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं बेटा, बिन माँ की बच्ची है, कुछ बात करना चाह रही होगी। माया, क्या बदतमीजी है ये, इस तरह से उठ के क्यों चली गई तुम? पापा, उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, हमने कितने प्यार से उनकी डिमांड पूछी और उन्होंने कैसे मना कर दिया। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देख, तुम ना थोड़ा शांत रह कर एडजस्ट करना सीख। चल आ मेरे साथ चल, और थोड़ा स्माइल करके देख वो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मेरा राजा बेटा, आ चल। भाई साहब, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, बस आपको देखकर अपनी माँ की याद आ गई। इसे माया की माँ भी बिल्कुल आप ही की तरह थी। अरे बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ और तुम मेरी बेटी जैसी। इसी नाते से अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बेटी, पूछो। वो माँ जी, अगर लड़का दहेज ना ले तो इसका मतलब है कि लड़के में कोई प्रॉब्लम है। अब नहीं नहीं
ऐसा मैं नहीं, ऐसा समाज के लोग कहते हैं। बेटा समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ जी मुझे फर्क पड़ता है। कल को मेरे पति के बारे में लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, और ये सब कुछ, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ मेरा ही तो है ना पापा? हाँ बेटा क्यों नहीं, जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही तो है। और माँ जी सिर्फ आपको ही दहेज नहीं मिल रहा, मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। मेरी माँ नहीं है ना, तो आपके रूप में मुझे एक माँ मिल जाएगी। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, अब से तुम मेरी दूसरी बेटी हो, जैसी मेरी बेटी निशा ऐसी तुम मेरी बेटी। लेकिन माया थोड़ी ना संवेदनशील है, छोटी छोटी बातों को ना अपने दिल से लगा लेती है। बहन जी आपसे प्रार्थना है कि इसका ख्याल रखिएगा। भाई साहब अब बिल्कुल चिंता मत करें, आज से माया भी मेरी बेटी है। तुम खामखा चिंता कर रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। मां मुझे तो कुछ डर भी लग रही। मत डर यार, ऐसा कुछ नहीं है। मां मेरी बात समझने की कोशिश करो, उसका घर देखा आपने कितना बड़ा है। हाँ मुझे नहीं लगता माया हमारे साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएगी। बेटा हमारे समाज की रीत है कि लड़कियां ही अपना घर छोड़कर ससुराल आती, पता है क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको शक्ति दी है एडजस्ट करने की, तो माया भी कर लेगी। मुझे तो लगता है कि भैया डर गए, सोच रहे होंगे कहीं आपको उनसे अलग ना कर दे और माया भाभी भैया को ले जा करके घर जवाई ना बना दे। नहीं बेटा, जब भी घर टूटता है ना बहू की वजह से नहीं टूटता, लड़का जब तक ना चाहे वो अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि बहू की गलती है, लेकिन गलती होती नहीं। ठीक है देख बेटा, शादी की तारीख पक्की हो चुकी है, क्या तू इस रिश्ते से खुश है? जी पापा। देख बेटा, नया परिवार, नए लोग, एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में समय लगता है, इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना शुरू कर दे, अगर वहाँ कोई कुछ कह दे तो एकदम से अपने दिल पे मत लगा लेना। पापा अगर बुरा लगेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी। यही सुनना चाहता था मैं तेरे मुंह से, मेरा राजा बेटा मेरी सब बात समझती है। अरे भाई ऐसे तो मैं आपको अंदर जाने दूंगी नहीं, अच्छे से कमरा सजाया है, कम से कम 1000 रुपए तो लगेंगे। अच्छा ठीक है दे रहा हूँ, एक छोटी शादी में बहुत खर्चा हो गया तो अभी 500 से काम चल। ये क्या सिर्फ 500? अरे बहुत तो है, रख ले। अरे अब भी क्या कंजूसी कर रहे हैं, दीजिए। भाभी हो तो हेल्थी हो, चल खुश। अब जाने दो। जाऊं मैं भी। सॉरी यार वो कमरा थोड़ा छोटा है ना। तुम्हारे दिल में जगह है ना मेरे लिए, मैं रह लूंगी। क्या हुआ, कुछ कुछ चाहिए तुम्हें? एक्चुअली बाथरूम कहाँ है? वो तो बाहर है ना, हॉल की साइड में। अपने कमरे में बाथरूम नहीं है? नहीं, वैसे हमारे घर में है 2 बाथरूम, एक हॉल की साइड वाला और एक ऊपर। तुम टेंशन मत लो, अगर
तुम्हें ऐसा लगेगा तो हम आगे चल के कमरे के अंदर बनवा देंगे। देखो गगन, मुझे एक्चुअली कॉमन बाथरूम यूज करने की आदत नहीं है। अगर मैं हॉल वाला यूज करूंगी तो प्लीज उसको कोई यूज ना करे। माँ और निशा से तुम बात कर लेना, क्योंकि अगर मैं बात करूंगी तो शायद उनको बुरा लग जाए। नहीं नहीं, तुम मत करना, वो हार्ड हो जाएगा। मैं करता हूँ बात। भैया देख, तो एक काम कर, ऊपर वाला बाथरूम यूज कर आज के बाद, ये वाला यूज मत करना। क्यों, क्या हो गया? यार निशा, तुझे पता तो है वो माया कितने बड़े करके लड़की है, उसने कभी कॉमन बाथरूम यूज ही नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कि वो यूज कर लेगी आज के बाद ही। मतलब मम्मी भी बाथरूम यूज नहीं करेगी क्या? हाँ, वो माँ भी यूज नहीं करेगी। भाई आपका दिमाग खराब हो गया, मैं बात करती हूँ भाभी से। निशा भैया, आपको पता तो है मम्मी के घुटनों में दर्द है, वो कैसे बार बार ऊपर चढ़ेगी। प्रणाम माँ जी। कृष्णा, अरे मैंने कहा तो कि मैं मैनेज कर लूंगी, और ये लॉक क्यों लगाया है? तुम एक काम करना, बाथरूम को लॉक करके मुझे चाबी दे देना। नहीं नहीं माया, तुम नहीं कर पाओगे एडजस्ट। निशा, मैं ऊपर का बाथरूम इस्तेमाल कर लूंगी। अरे अच्छा ये है ना, चढ़ूंगी उतरूंगी तो मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो तुम इस साथ चलो। लेके जाओ उसको, मुझसे दहेज लेगा। सर मुझे जबरदस्ती फंसा रही है सर, मैंने कुछ नहीं किया। चल थाने में देखते, चल गाड़ी में डालो। उससे दहेज मांगता है। सीमा जी गुप्ता जी के घर में क्या हो गया ऐसा? गुप्ता जी की बहू का अपने पति के साथ झगड़ा हुआ है किसी बात पर। बहू बहुत तेज है, घर अपने नाम कराना चाहती है, दहेज का झूठा कंप्लेंट करी है। सास कुछ सही बोले तो तुरंत पुलिस बुलाती है। लेकिन गुप्ता जी के घर वाले तो सब अच्छे हैं। जमाना बहुत खराब है, बहू पुलिस कंप्लेंट करती है तो पुलिस तुरंत पति को और ससुराल वालों को अंदर कर देती है। गगन के पड़ोसी गुप्ता जी के घर में उनके बहू द्वारा ससुरालियों के साथ दबंगई की ये कहानी कोई नई नहीं है। देश भर के शहरों और गांवों में दहेज के झूठे मुकदमों के किस्से आजकल आम है। बेशक अब वक्त आ गया है कि इस कानून में उपयुक्त बदलाव लाए जाएं, संशोधन किया जाए, ताकि दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे लगाने वालों पर रोकथाम लगाई जा सके। देखिए कैसे एक हंसता खिलता शरीफ परिवार इस कानून के दुरुपयोग का शिकार हो गया। ये देखिए, पाते गिरने में दादी इतना व्यस्त हो गई कि झुमका यही छोड़ के चली। कोई बात नहीं, अब पता चल गया है ना कि ये झुमका इसी लड़की का है, बाद में लौटा देंगे। हाँ मैंने आपको डिजाइन भेजे थे रिंग्स के, एक बार आप देख कर सेलेक्ट कर लोगे तो हम ले लेंगे। दादी जी से झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो आपको कुछ ना बोलने के लिए कह रही हूँ। भाभी मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर दादी ने मुझे कुछ पूछ लिया तो। देखिए निशा, पिंकू के साथ पिक्चर जाने का निशा प्लान है। एक सेकेंड, ना माँ बुला रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय बेटा, ये सब क्या है? ये टीवी चल रहा है, फैन चल रहा है, मेरी बिजली कोई फ्री में नहीं मिलती है, पैसे लगते हैं उसके। माँ मैं तो यहाँ थी नहीं, भाभी बैठी थी यहाँ पे। माया बेटा, जब यूज ना हो तो ये टीवी फैन बंद कर दिया करो, बिजली का बिल बढ़ता है, बिलावर्जी खर्चा बढ़ जाता है ना। और तुम तो जानती हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, परिवार में बेटा ये सब सोच समझ के चलना पड़ता है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ जी जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। भाभी जी, अरे आओ ना अंदर। वो आपने सामान मंगाया था ना? हाँ।
वो आ गया है कॉस्मेटिक्स का। कितना हुआ? 12,000। ठीक है तुम जाओ, मैं अपने पति को बोल दूंगी। ठीक है मैं। भाभी 12,000 के कॉस्मेटिक, ऐसा क्या कॉस्मेटिक मंगाया? ब्रांडेड है ना, मैं ब्रांडेड ही यूज करती हूँ, तो ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा होता है। चार पैसे बचा रहे थे ना बिजली के, ये देखो 12,000 के कॉस्मेटिक्स। डांटो, अब डांट पाओगे इनको? भाभी वो आपके पति को जेल होगी क्या? कम से कम 6 महीने जमानत नहीं मिलेगी उसको, और मैंने तो शिकायत में दहेज का आरोप भी लगाया। अब जेल में सड़ेगा तो कल ठिकाने आएगी उसको। क्या सचमुच उन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया? हाँ उठाया था, और अगर ना भी उठाया होता और मैं पुलिस को बोल देती कि हाथ उठाया है, दहेज मांगा है, तो पुलिस वाले धरने थे पति और ससुराल वालों को। अच्छा चलो मुझे काम है, मैं चलती। ठीक बहू, आज खाने में मम्मी जी कुछ भी बना लीजिए ना। अच्छा बहू चाबी दे दो, बाथरूम की लाइट खुली, मैं लाइट बंद कर दूंगी। कोई नहीं मम्मी जी, मैं बंद कर रहा हूं। तुम्हें तो पता है ना कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, परिवार में ये सब सोच के चलना पड़ता है। माया यार तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। माया क्या हुआ? इतनी इंसल्ट हुई है मेरी, तुम्हारी माँ ने इतनी सी बात के लिए इतनी बेइज्जती की है मेरी। एक मिनट शांत हो जाओ, तुम बताओ कि हुआ क्या पहले? मैंने आज टीवी और पंखा ऑन छोड़ दिया था, इतनी सी बात के लिए तुम्हारी माँ ने इतनी इंसल्ट की, वो भी काम वाले के सामने। वैसे सैड मत हो यार, मैं बात करता हूँ ना माँ से, समझाता हूँ उन्हें। समझाता हूँ? कुछ समझाना नहीं है, अब मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। बदला? माया कैसी बातें कर रही हो, तुम माँ है मेरी। वो तुम मेरे अपमान का बदला नहीं ले सकते तो कह दो ना, मैं अकेली काफी हूँ, सब कुछ कर सकती है। याद है ना गुप्ता जी की बहू ने पुलिस को कंप्लेन की थी तो क्या हुआ था? अब मैं भी पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी। अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं करता हूँ कुछ पक्का। गगन भैया आप लोगों को जो रिंग अच्छे लगे वो ले लीजिएगा। हाँ हाँ धीरज बेटा ले लेंगे, चलो पहले सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, आओ। चलो खाना खाते, आ बेटा बैठो बैठो बेटा। अरे लाइट किसने बंद की? मैंने बंद की है। पर क्यों? अरे निशा मम्मी जी ने समझाया था ना कि फालतू में बिजली खर्च नहीं करनी चाहिए। क्यों गगन सही कहा ना मैं? माँ क्या कहा था आपने माया से? बेटा मैंने कहा, अरे मैं बताती हूँ, अरे वो गलती से ना मैं फैन और टीवी ऑन करके ही चली गई थी, तो माँ जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि फालतू में बिजली खर्च नहीं करनी चाहिए ना, है ना माँ जी? ये सब कैसी बातें करने लगी हूँ आप, ये सब फालतू बातें नहीं है, और हम अपने घर की फैन टीवी नहीं चला सकते? कितना बिल आ जाता? 5,000 6,000? अरे मैं भरता ना अपनी जेब से, आपको भरने की जरूरत नहीं है। भाई ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, और वो भी धीरज के सामने? आपको नहीं पता ये भाभी 12,000 के कॉस्मेटिक्स ऑर्डर करती है, और अभी 4 पैसे बिजली के बचा करके दिखावा कर रही है, समझ नहीं आता आपको? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, क्या बातें कर रही है सब? सॉरी बोल, सॉरी बोल अभी। सॉरी किस बात के लिए?
दिन भर घर पर बैठकर यही गोल गोल घूमते रहती है, हर टाइम फोन यूज करते रहती है, माँ की हेल्प तक नहीं करती, फिर भी मैं सॉरी बोलूं। निशा लिमिट पे रह अपनी। माँ जी मैं किसी और वक्त आ जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, खाना खा के जाओ, खाना तैयार है। नीरज आप क्यों जाओगे, आप बैठो, जिनको प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। माया माया माया, कुछ नहीं सुनना मुझे, अगर तुम्हारी बहन ने मुझसे आके नाक रगड़ के माफी नहीं मांगी ना तो उसकी शादी भी नहीं होने दूंगी मैं, और उसके होने वाले पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन का केस कर दूंगी कि हमारे घर पे आके दहेज मांग रहा था वो, मेरे साथ गलत हरकत करने की उसने कोशिश की, बहुत हल्के में ले रखा है ना तुम लोगों ने मुझे, अब देखो तुम लोग। धीरज सॉरी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कोई बात नहीं, अच्छा माँ जी चलता हूँ। खुश रह बेटा, खुश रह। माँ ये क्या तमाशा किया आज भाभी ने, वो भी धीरज के सामने। भैया ने सही कहा था, ये माया एडजस्ट नहीं कर पाएगी, और देखो वही हुआ आज। नहीं नहीं निशा ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे वो समझ जाएगी, एडजस्ट कर लेगी बेटा वो। निशा बहुत गलत किया तूने आज, चल अभी अंदर चल और भाभी को चल के सॉरी बोल, चल। मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। ऐसे नहीं बोलेगी सॉरी, चल। गगन पागल हो गए हो क्या, इसी अजीब सी बातें करने लगे, छोड़ो ये सब, चलो अंदर रात बहुत हो गई। अरे तू यहां बैठा है, लाइट चली गई है, जाके देख बहू को गर्मी लग रही होगी। बेटा तू रो रहा है, आप मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। रोते नहीं बेटा, आपको ऐसा तो नहीं लगा ना मैंने आपको जानबूझ के डांटा, मैं फंस गया हूँ वहां, उस माया ने मुझे धमकी दी है क्या आप सबको जेल में डलवा देंगे। अब मैं भी पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी, अगर तुम्हारी बहन ने मुझसे आगे नाक रगड़ के माफी नहीं मांगी ना तो उसकी शादी भी नहीं होने दूंगी मैं। मां ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और छोटी छोटी बात दिल पे लेके बैठी थी, कहती है उसे अपने अपमान का बदला चाहिए, मैं आप लोगों से ऐसा बदतमीजी नहीं करूंगा तो आप लोग को जेल भिजवा देगी। उसके पापा को पता था पहले से, उसे गुस्सा होता है बहुत, तभी इतनी जल्दी शादी करवा दी। नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, उसके पापा ने कहा था ना कि वो थोड़ी संवेदनशील है, और बेटा ऐसी लड़कियों को ना समझाने का तरीका अलग होता है, मैं समझाऊंगी उसे। बेटा उसने मुझे माँ कहा है, मैं समझाऊंगी सब ठीक हो जाएगा, तू भी ना पहले सब बता देता मुझे। हाँ मैं कल उससे बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। लाट आएगी बेटा, बहुत रात होगी, चल चलो सो, चलो चलो अंदर चलो। मैं सुहेल इलियासी क्राइम के नए और खास एपिसोड में आप तमाम दर्शकों का, तमाम नाजरीन का दिल की तमाम तर गहराई से खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जब हम अपने देश की राष्ट्रीय परंपरा, संस्कृति और संविधान की बात करते हैं तो हमारे मन में खुद ब खुद अपने देश के प्रति, राष्ट्रीयता और कानून व्यवस्था के प्रति एक एहतराम का जज्बा पैदा होता है। बेशक बराबरी का हक और दहेज मुक्त समाज का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है, यही वजह थी कि कानून में धारा 498 को शामिल कर एक नया कानून बनाया गया ताकि शादीशुदा महिलाओं के उत्पीड़न को रोका जा सके। आज की सच्ची कहानी एक ऐसी महिला के उत्पीड़न की कहानी है जो खुद इस कानून की मारी है, जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। भाई साहब आप ही समझाइए। माया तुम तो माँ मानते थी इन्हें, फिर क्या हुआ इतना गुस्सा, ये तुमने ठीक नहीं किया। पापा वो मैं पहले तू मेरी बात सुन,
मैं जानता हूँ, समझता हूँ। घर वालों की किसी बात पे कभी गुस्सा आ जाता है, नाराजगी हो जाती है, दो चार बातें घर में कह दी बस। पर ये क्या, तुम इन्हें पुलिस की धमकी दे रही हो? क्या है ये सब? पापा मुझे माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा ऐसा। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो ना, देखा तुम भी ना पागल ही है। देखा सब ठीक हो गया ना, माया कितनी समझदार है, भाई साहब ने समझाया और वो मान गई। बहन जी आप चिंता मत करिए, माया की तरफ से अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। इनकी कंप्लेन है क्या? आप लोग इन्हें परेशान करते हैं, इनसे दहेज मांगते हैं, इनसे मारपीट करते हैं। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। माया माया प्लीज इनको बोल दो ये सब गलत है, हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। नहीं नहीं सर, ये लोग बहुत परेशान करते हैं मुझे, यहाँ तक कि मारने की भी कोशिश की है लोगों ने मुझे। मेरे पापा ने बहुत सारा दहेज दिया लेकिन फिर भी दहेज पे दहेज मांगते हैं ये लोग। आज तो हाथ धोके मेरे पापा को बुलाकर उनके सामने मेरी बेइज्जती की और मेरे पापा के भी। सर तुम सबको अंदर कर दूंगा अगर तुमने अपनी पत्नी को परेशान किया तो। बताइए मैडम क्या करना है, अंदर डाल दो सबको। नहीं नहीं सर, बस इनसे इतना बोलिए कि मुझसे माफी मांगे, वो भी कान पकड़ के। मांगे माफी? सर माफी मांगनी है ना, तुम्हें माफी चाहिए ना, मैं मांगता हूँ तुमसे कान पकड़ के माफी। नहीं नहीं तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन। माफी मांगिए, आप सबको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं माँ, नहीं तुम भी। माया अगर गुल से भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। ठीक है इस बार के लिए माफ कर देते हैं, लेकिन अगली बार कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगली बार अगर शिकायत का मौका मिला तो माफी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा जेल में डाल दूंगा। माया जब हमारी सुबह बात हो गई थी तो बात क्लियर हो गई थी ना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सुबह कुछ ठीक नहीं हुआ, उल्टा गलत हुआ है। मेरे पापा को बुलाया, उनके सामने मेरी इंसल्ट की तुम लोगों ने, मुझे गलत लड़की बना दिया उनके सामने, नहीं सह सकती हूँ ये सब मैं। मेरे पापा ने बोला था ना शादी करने से पहले कि मेरी बेटी थोड़ी सेंसिटिव है, तब समझ में नहीं आया था तुम लोगों को। अब कुछ गलत हुआ ना मेरे साथ यहाँ पे तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। हमारी संस्था में ऐसे केसेस काफी आते हैं, डे इन डे आउट हम ऐसे केसेस हैंडल करते हैं। जो औरतें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होती हैं वो बहुत अनरीजनेबल होती हैं, वो पागल की तरह बिहेव करती हैं एंड बहुत अग्रेसिव और वायलेंट होती हैं। उनको चाहिए क्या होता है, उनकी मनमानी चले, उनके हिसाब से दुनिया चले, आप अगर उनकी बात ना माने तो वो झगड़ा करती हैं। यार तू तो लॉयर है ना, तो तुझे दहेज के कानून के बारे में सब पता होगा। हाँ जानता हूँ मैं, पर हुआ क्या गगन? वो यार मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी हुई अभी, तो उसकी बीवी ना उसे और उसकी फैमिली को दहेज के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी दे रही है। तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं? यार इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है छोरे? रोहन ये मेरी वाइफ है। हाय माया। और ये मेरा फ्रेंड रोहन, वो शादी में आ नहीं पाया ना तो आज आया मिलने के लिए। सुनी मैंने आप लोगों की बातें, आप वकील है ना? वो हमारे पड़ोस में फैमिली है गुप्ता जी, वो भी बहुत परेशान है। क्यों? अरे उनकी बहू ने अपने पति को जेल में करवा दिया ना,
दहेज और मारपीट के चक्कर में बेचारे बूढ़े माँ बाप बहुत परेशान है कि बेटे को कैसे छुड़वाया जाए। भाभी जी देखिए ये 498A की धारा लगी है उसपे। कोई तो रास्ता होगा ना? एक ही रास्ता है, आप उनसे कहिए कि बहू को खुश रखें और जो वो कहती है वो मान ले, नहीं तो उनके बेटे के साथ साथ वो सास ससुर को भी जेल भिजवा देगी। लो जी, अब तो कोई रास्ता भी नहीं है, अब तो बस यही कर सकते हैं कि वो लोग अपनी बहू को खुश रखें, उसकी हर बात माने। यहाँ सही सुना आपने, कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि बहू की सारी बातें मान ली जाए, चाहे वो दुरुस्त हो या नहीं। दुराचारी बहू अगर मनमानी करने पर आ जाए तो फिर उसे रोकने वाला कोई नहीं। अगर वो दहेज उत्पीड़न के कानून का इस्तेमाल करने पर आमादा हो जाए तो फिर विनमना यही है कि सूरत में पुलिस और कानून व्यवस्था भी इस दुराचारी के साथ खड़ी नजर आती है। एक शरीफ घर परेशान है कि इस कानूनी मुसीबत से, इस उलझन से निकले तो निकले कैसे। माया, माँ आप क्या कर रही है? निशा, अरे तुम लोग क्यों रुक गए? आज चलाओ ना। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी जी को ये बिजली पंखा इन सब के बिल बचाने हैं, तो इसीलिए मैं फैन सब चीजें ऑफ करके इनके हाथ में पंखा थमाकर इनसे ही पंखा करवा रही हूँ। और ये हमारी निशा नंद जी, इनको हमारी कॉस्मेटिक पार्लर ये सब चीजों के खर्चे बहुत चुभते हैं, इसलिए सब कुछ बंद करके इनसे ही सब करवा रही हूँ ताकि पार्लर के खर्चे बच सके। बस बहुत हो गया तुम्हारा, उठो वहां से, उठो। अरे चलो यहाँ से। मैं क्या करूं? अरे तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं क्या कर सकती हूँ? तुम जो भी करोगी ना अब देखा जाएगा, क्योंकि तुम इस घर में रहने लायक हो नहीं। मैं तुम्हारे पापा के पास छोड़ के आ रहा हूँ, वहां करना जो करना है। चलो सोच लो। सोच लिया। गगन बेटा, बेटा मेरी पास तो रो। गगन बेटा बेटा रुको। नहीं अंकल जी, बस हो गया, और कुछ नहीं सुनना मुझे। आपके बेटे की दहशत में और नहीं जी सकते हम। रखिए इसे अपने पास, मैं डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, डाइवोर्स की बात मत करो। नहीं पापा, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? पीछे कर, माफी मांगा अभी के अभी और जा इनके साथ। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक इनकी माँ और इनकी बहन इनके साथ रहेगी मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोल रहे हैं? सर 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 प्लीज, मेरी बात सुनिए सर, सर आप उन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, आपको कुछ गलत फहमी हुई है सर। आपकी वाइफ ने कंप्लेन की इन दोनों के खिलाफ, दहेज और मारपीट का, हमें इनको लेके जाना पड़ेगा। सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप प्लीज प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, उन्होंने कुछ नहीं किया सर। आप हमें हमारा काम करने दीजिए। माया तुमने क्या बोला पुलिस स्टेशन में जाके? प्लीज अपनी कंप्लेंट वापस ले लो माया। माया सर सर प्लीज सर सर प्लीज सर माया प्लीज माया। मैंने बोला था ना कि सोच लो, तुमने सोच लिया, मैंने कर दिया। देखो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट नहीं की है मैंने, क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट किया था,
लेकिन तुमने ये भी तो ठीक नहीं किया ना, मुझे मेरे पापा के घर पर छोड़ के आ गए। सबके तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, प्लीज मेरी कंप्लेन वापस ले लो प्लीज भैया, ये एक बार प्लीज, लास्ट लास्ट चांस है। देखो अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ और अब मैं इसी घर में रहूंगी, तुम्हारी बीवी हो ना, तो अगर तलाक देने का मन बना लिया है तो मन को बदल दो। माया माया बस बस आओ मां। मां आपको मुंह छुपाने की ऐसी जरूरत नहीं है, आपने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ आओ कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? कोर्ट का ऑर्डर है ना कि 200 मीटर अपनी बहू से दूर रहना है। इस घर में तो मैं रह रही हूँ, इतना छोटा सा घर है, 200 मीटर तो यूं पूरे हो जाएंगे। माया प्लीज यार, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें अंदर आने दो, बस आज की बात है, मैं कल कुछ और देख लूंगा प्लीज। ठीक है, लगता है ये भी जमानत रद्द हो जाएगी, 200 मीटर अंदर तो आई गए, एक पुलिस को फोन कर दिया ना। वो नहीं ठीक है, जब केस होता है लोग अरेस्ट हो जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं सबसे पहले सोसाइटी उनको दहेज लोभी बोलती है, उनको ठीक से उनसे बात नहीं करती है, जब घर जब ये वापस ऑफिस ज्वाइन करते हैं उनको पता चलता है उनकी नौकरी नहीं है। इस स्टिग्मा को कई लोग हैंडल नहीं कर पाते, इस परेशानी को, और कई लोग एक्सट्रीम स्टेप ले रहे हैं और वो अपनी जान दे रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। इनकी कंप्लेन है कि आप लोग इन्हें परेशान करते हैं, इनसे दहेज मांगते हैं, इनसे मारपीट करते हैं। तुम सबको अंदर कर दूंगा अगर तुमने अपनी पत्नी को परेशान किया। सर मैं आपका हाथ छोड़ता हूँ आगे, प्लीज सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर, उन्होंने कुछ नहीं किया सर, आप हमें हमारा काम करने दीजिए।
गगन चौधरी, मेरी बीवी ने मेरी फैमिली के खिलाफ झूठी कंप्लेंट डलवाई, लेकिन क्या है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ना। पर एक मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए मरते मरते आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं, ना ही मेरी माँ और ना ही मेरी बहन किसी ने उससे कभी कोई दहेज नहीं मांगा, ना कभी उसे परेशान किया, अरे उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। अगर आप लोग को मेरी बात में भरोसा है ना, प्लीज मेरी माँ और मेरी बहन की मदद करना। अब मैं अपनी लाइफ खत्म करने जा रहा हूं। सॉरी मां। गगन, अरे बेटा जल्दी कर, कब से ना आ रहा है, ऑफिस के लिए देर हो रही है। गगन, 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 निशा सर ये लीजिए। आपके बेटे ने तो सुसाइड किया ना, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि उसका मर्डर आपने किया? मैं अपने बेटे की बात मान लेती, उसने जिद ना करते तो माया से शादी भी करता। आपने मेरा बेटा जी इंस्पेक्टर साहब नहीं बोली, मैं नहीं उसने बेटे को मारा। आप मेरे बेटे को न्याय दिला सकते हैं ना, क्योंकि हमेशा गलती लड़के की ही नहीं होती, इंस्पेक्टर साहब नहीं होती। मेरे बेटे को न्याय दिला दीजिए, आपके वहां झूठ फिर। देखा आपने कैसे एक हंसता खेलता परिवार तबाह और बर्बाद हो गया। दहेज के कानून के दुरुपयोग ने एक और निर्दोष की जान ले ली। बेशक दहेज प्रथा हमारे समाज की एक कुरीति है, इसे सती प्रथा की तरह हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना होगा। दहेज कानून में संशोधन आज वक्त की जरूरत है। जो लोग दहेज मांगते हैं बेशक उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग दहेज के झूठे मुकदमे लगाते हैं उन्हें भी जरूर बस जरूर सजा मिलनी चाहिए। झूठा मुकदमा लगाकर कानून का दुरुपयोग कर किसी को जेल भेजकर या किसी की जान लेकर बदमाश मित्र दौड़ते अपने कुकर्मों की सजा से बच नहीं सकती। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हादसा पेश आया है तो आप अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्राइम अलर्ट। रिमेंबर, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। गुड बाय फॉर नाउ।